झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के पचलंगी में आज दिन दहाड़े बैंक लूटने की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पचलंगी के बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक में आज शाम को अचानक 3 नकाबपोश युवक अंदर घुसे और घुसते ही उन्होंने 2 हवाई फायर किए। इस वक्त बैंक में एक ग्राहक व 5 स्टाफ सदस्य मौजूद थे। सभी को आरोपियों ने कमरे में बंद कर दिया और कैशियर से सेफ खुलवाकर उसमें से 63,000 रुपये की करीब नकदी ले गए। घटना के वक्त बैंक में मैनेजर अमरचंद, एडिशनल मैनेजर आयुष्मान सिंह, बीसी पूर्णमल, कैशियर बंसीधर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामेश्वर लाल और ग्राहक बंसीधर शर्मा मौजूद थे। कैशियर के सीने पर बंदूक लगाकर उनसे पैसे निकलवाए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी एक बोलेरो में आए थे। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी इतने तेज निकले कि वो जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क भी साथ लेकर चले गए। घटना के बाद उदयपुरवाटी और पचलंगी पुलिस चौकी की जवान मौके पर पहुंचे। वहीं नवलगढ़ डीएसपी प्रभातीलाल और सीआई रामेश्वर लाल बगड़िया भी मौके पर पहुंचे। सभी एरिया में नाकाबंदी करवाई गई है। वहीं आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को ही ठीक 2 माह पहले छापोली में भी इसी तरह 3 नकाबपोशों ने बंदूक की नोक पर बैंक को लूटा था, लेकिन वो आरोपी भी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। वहीं हर दिन बैंकों को लूटने की वारदातों से आमजन में गुस्सा बढ़ रहा है। आरोपी अपने साथ पैसों के साथ कुछ सामान भी ले गए, जिसके बाद ये सामान है ये छतरियों की ढाणी के पास मिला है, जिसे एएसपी नरेश मीणा की मौजूदगी में जब्त किया गया। इस मौके पर न केवल नरेश मीणा ने मौका मुआयना किया है, बल्कि पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की है। देख ही रहे थे आपको बताइए, हमने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ चलाना देख रहे थे, तो उसने कहा वो डीवीआर नहीं है इसमें। अभी 1.5 नंबर पर नहीं डाल के गए हैं, नहीं डाली अभी 2 नंबर। हेलमेट लगा रखा था, मुंह बांध रखा था, और आते पहले एक फायरिंग जो मेरे नीचे जैकेट पीट के लगी, और उसके बाद सबको मतलब कि दूसरे एक फायरिंग और करके सबको इकट्ठा करके अंदर बंद कर दिया, और फिर कहते कैश निकालो, उनके साथ भी उनके बंदूक लगा दी और कैश निकालो, तो इतने उन्होंने कैश निकाल दे दिया उनको, तो वो चले गए और हमारे पीछे लोग लगा के उसके दोनों गेट बंद करके शटर गेट बंद करके, फिर अंदर से हमारे मोबाइल था, उस मोबाइल से टेलीफोन किया हमने, तो नीचे से आदमी आया और उसने आके शटर खोला। केस तो 63,500 रुपये तक है, तो ज़्यादा नहीं, लिमिट नहीं हमारे बैंक में नहीं है। इस दौरान कोई पब्लिक मैन इधर नहीं आ पाया। यहाँ पे एक बीसी है, बैंक स्टाफ के अलावा वो थे, और एक स्टाफ और बता रहे कस्टमर थे, कस्टमर है वो, उन सबको बंद करके और गैस चोरी कर और रोबरी करके खा रहे, बता रहे हैं कि वो बोलेरो कार से आए, और ये दूसरी घटना है, और ये इनका क्लेम पहले कहाँ हुई थी सर? पहले छापोली में ये घटना हुई, लगभग 1.5 घंटे, और ये अभी भी इनका टेस्ट मैनेजर साहब।